एक और प्रॉब्लम करने लेते हैं हम लोग कि वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस थ्रू पुली एंड कनेक्टेड टू 10 kg मास एट अदर एंड इज पुल्ड बाई 100 न्यूटन फोर्स। ये 100 न्यूटन फोर्स, अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सा हरदम जिंदगी में ध्यान रखना, जो फोर्स आप डायरेक्टली रस्सी पे लगाओगे, जैसे यहाँ पे हमने इस रस्सी को कितने से खींचा, 100 न्यूटन से खींचा, जो फोर्स आप डायरेक्टली रस्सी पे लगाओगे वो ही रस्सी के अंदर टेंशन बन जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे कितना फोर्स लगाया आपने, 100 न्यूटन, तो रस्सी के अंदर टेंशन कितनी बनेगी, 100 न्यूटन, ख़त्म। अभी इसका 10 kg का FBD ड्रॉ करते हैं। देखो 10 kg ये है, इसमें ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगी, 100 न्यूटन बन गई, क्यों, क्योंकि वो तो टेंशन थी, ठीक। नीचे की तरफ कितना लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ लगेगा m into g। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी स्टाइल मार दी है कि जी का वैल्यू 9.8 लेना, तो 10 into 9.8, तो कितना हो गया ये, 98 न्यूटन। तो अभी आपको क्या लग रहा है बच्चों, किस तरफ की फोर्स बढ़ी, ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ी तो नेट एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। तो क्या बताया था मैंने, बड़ा माइनस छोटा, तो ऊपर की तरफ क्या 100 माइनस नीचे की तरफ कितना हुआ 98, ये क्या हो गया एफ नेट इज इक्वल टू एम ए 10 into a, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2/10, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए।